मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण से पहले लगातार बैठकें जारी हैं और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में मंत्रिमंडल के नामों की चर्चा की जा रही है कि कौन वो चेहरे होंगे जिनको मंत्री बनाया जाएगा और कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इसी पर दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एनडीए गठबंधन का नेता चुन लिया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक के दौरान मोदी को एनडीए संसदीय दल, बीजेपी संसदीय दल और लोकसभा में बीजेपी नेता के रूप में चुना गया है। मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो पहला सत्र जून के तीसरे सप्ताह में सदन के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू होगा। बताया गया है कि शपथ ग्रहण को दो दिन तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद से नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थी। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं इस सरकार में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों की अहम भूमिका है। दोनों ही नेताओं ने शुक्रवार को सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। Day and night, yeah, campaign, same deal. जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में इस बार एनसीपी, आरएलडी और शिवसेना की भी एंट्री हो सकती है। शपथ ग्रहण से पहले लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहे। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी चुनाव नतीजों के बाद से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें दो डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से बाहर हैं। मुख्यमंत्री ने आज सभी मंत्रियों को कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री की बैठक एक घंटे के भीतर ही खत्म हो गई। सहयोगी दलों की तरफ से आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनिल कुमार बैठक में मौजूद रहे। इनके अलावा मंत्री से सांसद बने अनुप वाल्मीकि और जितिन प्रसाद भी मीटिंग में मौजूद रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूरा करने का निर्देश दिया था। उन्होंने खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए थे। देश भर में नतीजों के बाद से सभी दलों ने मीटिंग की और जीत हार की समीक्षा की है। ऐसे में यूपी में उम्मीद से कम सीटें आने पर हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी एक्शन में हैं, वे रोजाना मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इन बैठकों में दिए जा रहे निर्देशों और सुझावों को कितने जल्दी मानकर पूरा किया जाता है।